नमस्कार, वेलकम। आज हमने जेस्ट का 2018 का 13वां क्वेश्चन लिया है, जिसमें कोई मैट्रिक्स ए दे रखी है, उसकी दो आइगन वैल्यू ज्ञात है, तीसरी आइगन वैल्यू का मान हमें ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जब हम इसका ट्रेस ऑफ ए लें तो यहाँ पर एक ए आ रहा है और आंसर में देखिए कहीं पर भी ए नहीं दे रखा है। यानी पहले हमें यहाँ पर ए की वैल्यू ज्ञात करनी होगी, उसके बाद ही हम इसके तीसरे आइगन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी आइगन वैल्यू की बात आती है तो हम उनकी प्रॉपर्टी पर आ जाते हैं। उनकी पहली प्रॉपर्टी यह है कि तीनों आइगन वैल्यू का योग उसके या किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू का योग उसकी ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के तुल्य होता है। और ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या है, इसके जो ये एलिमेंट है, जो ये विकर्ण के एलिमेंट है, इनको जोड़ दें, ये कितना आएगा, ए प्लस टू प्लस वन, यानी ए प्लस थ्री। यहाँ पर लैम्डा वन कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, वन, और लैम्डा टू माइनस वन, और लैम्डा थ्री हमें पूछा गया है। तो देखिए माइनस प्लस वन माइनस वन प्लस लैम्डा थ्री इज इक्वल्स टू ए प्लस थ्री, यानी लेमडा थ्री इज इक्वल्स टू ए प्लस थ्री आ गया। ये अपना इक्वेशन एक। अब दूसरी आइगन वैल्यू की प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि इनका यदि हम मल्टीप्लाई करवा दें तो वो आएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए। ए का डिटरमिनेंट देखिए मैं ज्ञात करना चाहूँ यहाँ पर, तो इस वन के सापेक्ष ज्ञात कर दूँ कितना आएगा, वन, इसकी पोजिशन सम है तो टू ए, टू ए माइनस नाइन। यहाँ पर मैं देखिए लैम्डा वन की वैल्यू रखूँ प्लस वन, लैम्डा टू की माइनस वन, यानी माइनस लैम्डा थ्री, और लैम्डा थ्री की वैल्यू इक्वेशन एक से हम पुट कर दें यहाँ पर, तो क्या आया अपने पास, माइनस ए माइनस थ्री। अब ए को मैं इस तरह भेज दूँ, नौ को उस तरह भेज दूँ, तो मेरे पास आ गया थ्री ए इज इक्वल्स टू सिक्स, यानी ए इज इक्वल्स टू टू। तो देखिए लैम्डा थ्री इज इक्वल्स टू क्या आ गया, टू प्लस थ्री, यानी फाइव। तो इसका अपना कौन सा ऑप्शन सही हो गया, इसका बी ऑप्शन सही हो गया जिसमें फाइव दे रखा है। पहला ऑप्शन है अपना ए टू, बी फाइव, सी माइनस टू और डी माइनस फाइव, तो ये ऑप्शन सही हो गया। आपने इस वीडियो को देखा, उसके लिए आपका धन्यवाद, आभार।